हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अंकुश, आज आपके लिए लेकर आए ये सातवीं कड़ी है जो कॉलेज लेक्चरर राजस्थान का जो आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग, उसने ऑर्गेनाइज कराया था, तो उसका ये सातवीं कड़ी है। चूंकि हम 15-15 मिनट के वीडियो, लंबे वीडियो हो जाते हैं तो आप लोग बोर होने लगते हैं, तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वसी तेल ग्लिसरीन व एक वसी अम्ल के संयोजन से बने होते हैं। वसाओं में सामान्यतः ओलिक अम्ल पाया जाता है। एरेकिस हाइपोजिया के बीजों का तेल आशुष्की होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, बताइएगा भाई आप लोग। तो आ और सा दोनों सही हैं, यानी ए और सी। नेक्स्ट देखते हैं। द ऑयल कंटेंट ऑफ इम्प्रूव द वराइटीज ऑफ द सोयाबीन इज, सोयाबीन की उन्नत किस्म में तेल की मात्रा होती है तो कितने परसेंट होती है, आप बताइएगा इसको। तो वो होती है 19 से 22%। अच्छा क्वेश्चन है, ये जीके का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग द फर्स्ट सुगर टू बी द मैन्युफैक्चर्ड बाय द प्लांट, वो पहली कौन सी सुगर थी जो पौधों के द्वारा बनाई गई थी, आप बताइएगा। ग्लूकोज। कौन सी सुगर थी, ग्लूकोज। निम्नलिखित में कौन शर्करा पादप द्वारा सर्वप्रथम निर्मित की जाती है, तो वो है ग्लूकोज। कौन सी है, ग्लूकोज। निम्नलिखित में से कौन सा बता चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओल्ड वर्ल्ड प्लांट कल्टिवेटेड ओवर 4000 ईयर्स, तो वो कौन सा था, बताइएगा। पीनट, पोटैटो, टी और टोबैको, तो वो थी टी। ने कौन सा पादप की प्राचीन विश्व ओल्ड वर्ल्ड में 4000 वर्ष से अधिक समय से कृषि की जा रही है, तो वो कौन है, चाय। कौन है, चाय। अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द प्लांट आर द नेटिव ऑफ साउथ ईस्टर्न एशिया, साउथ ईस्टर्न एशिया का यानी पूर्वी एशिया का मूल, दक्षिण पूर्वी एशिया का मूल निवासी कौन है, तो वो है चावल और गन्ना। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन इट्स ग्रेन, मैक्सिमम प्रोटीन किसके ग्रेन में सबसे ज्यादा होती है, तो बताइएगा। तो गेहूं के दानों में प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में होती है। एल्कोलाइड स्कोलोमाइन इज ऑप्टेंड फ्रॉम, जो एल्कोलाइड स्कोलोमाइन है, देखिए एट्रोपा भी आपने पढ़ा पेपर, ये किससे पाया जाता है, स्कोलोमाइन जो एल्कोलाइड है वो किससे प्राप्त किया जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो वो है एट्रोपा बेलाडोना से, किससे प्राप्त किया था, एट्रोपा बेलाडोना से स्कोलोमाइन एल्कोलाइड ऑप्टेंड किया जाता है। अभी आप एट्रोपा बेलाडोना पढ़े हैं मगर इस जो एल्कोलाइड्स का नाम नहीं पढ़े हैं, बस यही सब गड़बड़ हो जाता है। तो ये एट्रोपा बेलाडोना से प्राप्त किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। काफी पादप इंग्लैंड का मूल निवासी है, भारत में काफी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाई गई, आप बताइएगा इसमें कौन सा है। तो ये है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु भारत के तीन प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार किए, छोड़िए कथन वाले लंबे खींचते हैं। स्यूडो एम्ब्रियो सैक इज फाउंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्यूडो एम्ब्रियो सैक इज फाउंड इन, बताइए भाई। स्यूडो आभासी भ्रूण पोष पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, पोडोस्टोमियेसी में पाया जाता, पोडोस्टोमियेसी में पाया जाता, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्यूडो एम्ब्रियो सैक इज फाउंड इन, तो पोडोस्टोमियेसी में ये देखने को मिलता है, आभासी भ्रूण कोष, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको लिख लीजिएगा।
फ्रीज फ्रैक्चर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से क्या देखा जा सकता है? फ्रीज फ्रैक्चर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, फ्रीज फ्रैक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अलाउज द विजुलाइजेशन ऑफ, बहुत अच्छा है। फ्रीज फ्रैक्चर क्या होता है बताइए, किसको देखा जा सकता है? सेल मेम्ब्रेन, यानी इंटीरियर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फ्रीज जो फ्रैक्चर इलेक्ट्रॉन द्वारा इंटीरियर ऑफ सेल मेम्ब्रेन देखा जा सकता है। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, तो वो है ऑल ऑफ दीज। द ग्लूटेरल्डिहाइड यूज्ड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज मीन्ट फॉर, बताइएगा भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो फिक्सेशन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, जो ग्लूटेरल्डिहाइड है ये जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यूज किया जाता है कि ड्यूरिंग, तो वो क्या, फिक्सेशन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के लिए। द कॉन्फोकल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक इनेबल्स, द कॉन्फोकल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पी इनेबल्स, बताइएगा, 3D आंकड़ों का संकलन करता है, प्रकाशीय प्रच्छेदन, बेहतर गहराई तक विभेदन, या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी। 3D आंकड़ों का संकलन करता है, प्रकाशीय प्रच्छेदन करता है, बेहतर गहराई तक विभेदन करता है। इन स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री द एब्जॉर्बेंस ऑफ द कलर्ड सॉल्यूशन इज डिपेंडेंट अपॉन, स्पेक्ट्रम प्रकाशमान में एक रंगीन विलयन का अवशोषांक निर्भर करता है, बताइएगा भाई, दोनों सांद्रता तथा पथ लंबाई पर, बोथ कंसंट्रेशन एंड पाथ लेंथ पर। एंजाइम लिंक्ड, जिसे हम एलिशा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलिशा बोलते हैं, वाज डेवलप बाय, किसने एलिशा टेस्ट को डेवलप किया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो वो किया था एंगवल एंड पर्लमैन ने, 1971 ने, एंगवल एंड पर्लमैन ने 1971 में, एंगवल एंड पर्लमैन ने 1971 में किया था। इलेक्ट्रोफोरेसिस इज टेक्निक बाय विच वन कैन द सेपरेट विच द फॉलोइंग, प्रोटीन, प्रोटीन्स एंड डीएनए, प्रोटीन डीएनए एंड आइसोजाइम्स, बताओ किसको किसको कर सकता है? तो ये प्रोटीन्स को भी कर सकता है, डीएनए को भी कर सकता है, आइसोजाइम्स को भी कर सकता है। द इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्सपेरिमेंट फॉर द सेपरेशन प्रोटीन ए डिक्रीज इन माइग्रेशन वॉज ऑब्जर्व, व्हाट कुड बी द रीजन, प्रोटीन अलग करने के प्रयोग में अभिचलन में कमी देखी गई, इसका क्या कारण है? आणविक आमाप में वृद्धि, आयनी प्रबलता में वृद्धि, धारा में वृद्धि, आणविक आमाप में वृद्धि, आयनी प्रबलता में वृद्धि, दोनों, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यही वाला सही होगा, चौथा नंबर। तो इस प्रकार से इस पेपर का पूरा सोल्यूशन आपको हमने उपलब्ध किया है। ये कॉलेज लेक्चरर बॉटनी का फर्स्ट पेपर है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, कॉलेज लेक्चरर एग्जाम बॉटनी का फर्स्ट पेपर है। अभी चूंकि वहां दो पेपर हुए थे कॉलेज लेक्चरर बॉटनी के, तो अब सेकेंड पेपर इसके बाद आपको हम उपलब्ध कराएंगे। हमारा वीडियो कैसा लगा ये हमें आप कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।